अबे ये क्या मैच देख लिया, ये कौन सा मैच देख लिया। अबे ये कोई ऐसे हो भी सकता है? कभी सोचा भी है यार कि कभी ऐसा भी होगा यार? मतलब मैक्सवेल ने ना रोल के रख दिया अखबारियों को, वो हाल कर दिया उनका जो नसीम शाह करता होता था यार। एक्सट्रीम बैटिंग, सुपर बैटिंग, आउट क्लास बैटिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मतलब कि जो अल्फाज भी कहे जाए ना भाई इस बंदे के लिए, वो इस वक्त कम पड़ रहे हैं। मतलब कि यार अनबिलीवेबल भाई, उसने एक टांग पे आधी टांग पे अपनी दोनों टांगों में से ना 10% टांग यूज किया और भाई 10 छक्के मार दिए, और ऐसा रोंदा है बेचारे अखबारियों को यार। बहुत क्लास की बैटिंग यार, आउट क्लास बैटिंग। मतलब सोच ही नहीं सकता यार। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार अनइमेजिनेबल, मतलब कि सोच में नहीं आ रही था। ये वही सोच है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी मैच जीते, और उसके पीछे पता क्या रीजन है? वही कुदरत का निजाम जो पाकिस्तान टीम के पीछे होता है। मानो ना मानो भाई, ये वही कुदरत का निजाम है, क्योंकि ये 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम भी ना इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए दुआएं कर रही थी, यार अल्लाह ऑस्ट्रेलिया जीते, ऑस्ट्रेलिया जीते। तो भाई वो जो पाकिस्तान के लिए दुआएं होती थी ना, और हम लोग कुदरत के निजाम से ऊपर निकल जाते थे, तो भाई ये वही दुआएं आज ऑस्ट्रेलिया के लिए चली हैं। वरना तो यार कोई सोच भी नहीं सकता ना। मतलब कि कोई ऐसा हो भी सकता है कभी कि यार एक बंदा आए और अकेला ही वो 201 रन बना ले, और बाकी पूरी टीम साथ उसका जो खेल रहा है उसने 10 रन बनाए हो, मतलब 90 पे 7 आउट हो गया, अकेला 200, यार 120 बनो पे 220 रन, 201 रन बना दें। एक्सट्रीम बैटिंग यार, आउट ऑफ द वर्ल्ड, और कुदरत का निजाम जिंदाबाद, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिंदाबाद, अफगानिस्तान हार्ड लक। खेले तो अच्छा थे शुरू में, और बैटिंग भी अच्छी की थी, बॉलिंग भी अच्छी की थी, लेकिन समझ नहीं आई कि हुआ क्या शुरू में। ऑस्ट्रेलिया को 91 पे 7 आउट होना, इट इज अनइमेजिनेबल। मतलब कि समझ नहीं आ रही थी यार कि खेल रहे क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, जानबूझ के खुद खा रहे मार। आखिरी 10 ओवरों में मतलब कि इन्होंने तबाही डाल के रख दी। अफगानिस्तान ने 120 रन, मतलब इतने राउंड अबाउट इतने रन मार दिए इनको, और समझ नहीं आ रही थी यार ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है ना, मतलब यकीन नहीं आ रहा था। सिर्फ मुझे लग रहा है ना, सिवाय मैक्सवेल के अलावा बाकी पूरी टीम को उन्होंने बुक कर लिया था कि भाई तुम लोगों ने तो अफगानिस्तान से हारना। मतलब कि यार ऐसी घटिया बॉलिंग करा रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले एंड में आकर, और जब बैटिंग आई है भाई देखो 90 पे 7 आउट हो गई। यार कुछ सोच सकता है भाई कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे आउट होगी, ऐसे जलील होगी, ख्वार होगी? सिर्फ मुझे लग रहा है ना बाकी पूरी टीम में तो पैसे लगाया होगा उन बुकियों ने, और उन्होंने जो ये वर्ल्ड कप करा रहे हैं, सिर्फ मैक्सवेल रह गया होगा जो भाई उसको खरीद नहीं सके होंगे, वो उसी ने कसर निकाल दी सारी। यार खीर मजा आ गया, अमेजिंग बैटिंग, आउट क्लास बैटिंग। इस तरह की बैटिंग हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने सर आसिफ अली से। पता नहीं वो कहाँ है बेचारे, वो भी देख के आज खुश हो रहे होंगे कि यार मैं भी ऐसी बैटिंग खेल सकता हूँ। मुझे तो लग रहा है आसिफ अली ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाल देनी है कि भाई मैक्सवेल को अगर टीम में खिलाया और वो ऐसी इनिंग खेल सकते तो भाई मैं भी खेल सकता हूँ, मुझे भी टीम में डालो। आसिफ अली ने भाई रोना डाल दिया होगा लेके। तो भाई मैनी कॉन्ग्रेट्स ऑस्ट्रेलिया, और मैनी कॉन्ग्रेट्स टू पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सारे लोगों को, स्पोर्ट्स फैन के, क्रिकेट फैंस को, कि यार शुक्र है अफगान हारे हैं तो हमारा ऊपर जाने का दोबारा चांस बन गया। भाई ऑस्ट्रेलिया ने तो क्वालिफाई कर लिया है, अभी है मुकाबला 3 टीमों का, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तीनों टीमें 8-8 पॉइंट्स पर बैठी हैं, और इन तीनों का 1-1 पॉइंट, एक एक मैच रहता है। अब वो मैच का रिजल्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर तो न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारती है तो पाकिस्तान का ऊपर जाने का चांस बनता है, और पाकिस्तान वो अगर मैच अपना अगर इंग्लैंड से जीतती है तो जाती है, अगर वो भी अपना मैच इंग्लैंड से हारती है तो अफगानिस्तान का मैच होगा अगला। अफगानिस्तान अपना अगला मैच अगर मार देती है साउथ अफ्रीका को तो भाई वो चली जाएगी। मतलब कि ना बड़ी कांटेदार मुकाबला रहने वाला है आगे, और गेम ऑफ डेथ से भी बड़ी कुछ चीज होने वाली है। और अफगानिस्तान आज की हार के बाद ना मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल ही उठे वो, मतलब कि यार जलील हो गए ना, वो कुत्ते की तरह हारे हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता यार ये। मतलब सोचो ना, आप रोटी खाने बैठे हो और नवाला आपने तोड़ा हो, आप ऐसे करो आप और उधर से कोई हाथ मार के इधर से खींच ले और खुद खा ले, मतलब कि मुंह का निवाला छीना इनका, उनको रुला के रख दिया। वो बैठे रो रहे होंगे, बैठे अपने घरों में, अपने ड्रेसिंग रूम में, सब ने अपने अपने वॉशरूम से लॉक बंद कर लिए होंगे कि यार मैंने आज नहीं निकलना बाहर भाई, यार मेरे मीटिंग में बैठना ही नहीं है भाई, मुझे बहुत जोर का पेट में दर्द हो रहा। बैठ के अंदर रो रहे होंगे और लोटे से पानी पिएंगे, अगर जब उनको प्यास लगेगी रो रो के जब उनके मुंह खुश होंगे ना और आंखों से भी जलन शुरू हो जाएगी तो लोटे से पानी भरेंगे और वो आंखों में डालेंगे और मुंह में पिएंगे। मतलब आउट क्लास कर दिया ना यार मैक्सवेल ने, डिस्ट्रैक्टिव, आउट क्लास, वर्ल्ड क्लास बैटिंग। और भाई आज की ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, दे आर नॉट गेटिंग स्टॉप। मतलब कि सेमीफाइनल से लेके फाइनल तक का रास्ता उनका अब क्लीन है, मतलब उनको रोकने वाला नहीं है, अब नहीं वो रुकने वाले भाई।